हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार, आज की वीडियो है अबाउट दिस मोटोरोला ZX2 टीवी के बारे में। तो इस टीवी को यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए आपके एंड से, जो कि देख के मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि मेरी वो वीडियो काफ़ी अच्छी चली। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बाद मैंने सोचा यार, अब ये लॉन्ग टर्म रिव्यू का बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी था? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कैसा ओवरऑल चला, जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको ये टीवी आज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लस इस टाइम पे प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो चुके हैं। तो यार, इस प्राइस पॉइंट पे क्या ये वर्थ इट है, नहीं है, क्या क्या आपके क्वेश्चंस थे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी हाईलाइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है टीवी को अच्छा बनाती है, बुरा बनाती है, ये सब आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहले, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप चैनल पर नए हैं। इससे मेरे को काफ़ी हाई मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी टेक वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलती रहती है। तो आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इससे ये जो YouTube का एल्गोरिथम है वो मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा और बाकी सारे यूज़र्स के पास भी पहुंचाएगा। पहला मेरा गिव अवे लाइव है। गिव अवे का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं गिव अवे करने वाला हूँ ये बोट की घड़ी। ये बोट जेनिट वॉच है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया वॉच है। उसका मैंने रिव्यू भी निकाला है और इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो गिव अवे के रूल्स देखने के लिए और बाकी सब के लिए इसकी वीडियो ज़रूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का भी डाल दूंगा और साथ में गिव अवे एंट्री का लिंक भी डाल दूंगा। तो अगर आप, जैसे ही वो मेरे गिव अवे का टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद मैं ये गिव अवे कर दूंगा। एक बार टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 5000 सब्सक्राइबर या फिर 15000 व्यूज़ इस बोट वाली वीडियो पे। जैसे ही जो भी पहले कंप्लीट होगा, मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस कर दूंगा। कुछ एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप भी अपनी एंट्रीज करें ग्लीम लिंक में जाके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टीवी का। जो एक साल के अंदर मुझे कैसा लगा कि यार, इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है और ओवरऑल कोई भी इशू मुझे एज सच टीवी की स्क्रीन के अंदर नहीं मिला, लाइक स्क्रीन ब्लीडिंग। काफ़ी सारे यूज़र्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनकी टीवी में आई है स्क्रीन ब्लीडिंग, बट यार ये उनके मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस जो हुआ है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, उस वजह से आ सकती है, या फिर हो सकता है किसी तरीके का फिजिकल डैमेज भी हो तो क्रिएट हो सकती है। बाकी मेरा टीवी एक ही जगह पे रहता है यूजुअली, बट छोटा सा टीवी है, एक आधी बार मैंने इसको शिफ्ट भी किया है। वॉल माउंटेड होता है मेजर टाइम, बट कभी कभी मैं इसको आपके मतलब टेबल पे भी रखता हूँ। तो ठीक ठाक है, इसका जो टेबल माउंट है वो इतना अच्छा है नहीं, सॉलिड सा, बट जितना टीवी का वेट है उस सबसे वो सही ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। तो ओवरऑल मुझे पिक्चर क्वालिटी वाइज मुझे कोई इशू नहीं मिला है इसके अंदर। ब्राइटनेस इसकी ठीक ठाक मिल जाती है, 320 निट्स ब्राइटनेस है, तो टीवी काफ़ी विविड और शार्प है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिला हुआ है। प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सारी इसके अंदर यूट्यूब सब बढ़िया चलती है। कोई भी ऐसा मुझे अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट 4K में और 1080p में इसमें देखा है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी वाइज इसमें कोई शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्पाइट एक VA एंगल है, इसके एंगल्स भी मुझे काफ़ी डिसेंट मिले हैं। जो कंपनी क्लेम करती है कि इसका एंगल रहेगा वो है आई गेस 178 डिग्रीज का, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है यार। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है एज सच, अगर मैं देखूं व्यूइंग एंगल्स को ले लूं या फिर पिक्चर क्वालिटी वाइज, तो पिक्चर क्वालिटी वाइज मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूं इसके अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ है वो इसकी साउंड क्वालिटी है। 40 वॉट्स के स्पीकर दे रखे हैं, काफ़ी सही यार, मोर देन इनफ होते हैं एक रूम के लिए। बेस वाइज अगर देखा जाए तो उतना सुपर पंची बेस नहीं मिलेगा, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्प, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस ज़रूर होगा नॉर्मल टीवी से के मुकाबले। ये इन्होंने कुछ अच्छा करा है इसके अंदर, बट हाँ डेफिनेटली टीवी के अंदर का बेस और एक अलग से आप अटैचमेंट लगा रहे हो उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा, तो वो एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा होगा। डॉल्बी साउंड, डॉल्बी ऑडियो भी है इसके अंदर, तो उसको लगाने के बाद फ़र्क आता है बहुत माइनर्स का, बट हाँ ठीक है, प्लस है, अपग्रेड है अगर फ़र्क आ रहा है तो, वो सबसे बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। उसके अलावा स्मार्ट डिमिंग फीचर है। स्मार्ट डिमिंग फीचर क्या करता है यार, कभी कभी जैसे अगर आपकी स्क्रीन पे ब्राइट स्क्रीन्स सीन्स आ रहे हो और, तो वो ब्राइटर कर देगा कलर, जो कि थोड़ा और सुंदर कर देगा, और अगर डार्क होगा तो उसको डीप ब्लैक्स करने की कोशिश करेगा तो वो भी कर देगा। तो यार मतलब मेरे को ओवरऑल काफ़ी सही लगा। अगर मैं ओवरऑल अगर आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि इसका कैसा रहा, स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू मेरी टीवी में बिल्कुल नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, बट बाकी आपके में भी होपफुली ना आए तो बढ़िया ही है। तो ये चीज़ मुझे, इसकी लॉन्जिविटी जो पूरे एक साल में रही है वो काफ़ी डिसेंट रही है टीवी की। उसके अलावा जो मेरे मेन हाईलाइट है इस टीवी का, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वो है एंड्रॉयड 10, जो कि इतना स्मूथ और इतना पावरफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब लिटरली
स्मूथली टीवी बटर स्मूथ चलता है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आती, एकदम फास्टिक लेवल की स्पीड इसमें मिल जाती है आपको, बहुत ही सुपर फास्ट और क्रिस्प स्पीड है इसके अंदर, जो कि मेरे को लगता है यार वन ऑफ दी मतलब फाइनेस्ट चीज़ है इस टीवी की, जो है वो इसकी एंड्रॉयड 10 की, जो कि आपको बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस देता है ओवरऑल। मेरे पास दूसरा टीवी एंड्रॉयड 9 का है, जो थोड़ा सा स्लो हो जाता है कंपैरेटिवली, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब भी मैं इस टीवी से दूसरे टीवी में जाता हूँ तो यार मज़ा नहीं आ रहा उतना जितना उस टीवी में आता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी एक और भी चीज़ है जो इसकी बढ़िया है, वो इसकी 2GB रैम, 16GB इसकी इंटरनल मेमोरी, जो कि डिसेंट है, मतलब मुझे लगता है कि इतनी होनी चाहिए, 16GB तो वो डिसेंट है, और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी सही है, कोई भी तरीके की मेरे को इशू इसके अंदर नहीं मिला है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। गैस इसका रिमोट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार, फुल फ्लैज रिमोट आपको मिलता है इसके अंदर, बटन्स भी मिल जाते हैं रिमोट में, कि आपको लेना हो नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट जाना हो, Z5 पे जाना हो, तो वो सब आपको बटन भी इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा अच्छा एड ऑन है। तो आपको जो रिमोट है वो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है, और उसके अंदर एज सच मुझे भी अभी तक लिटरली कोई इशू नहीं आया। तो एक साल हो चुका है टीवी को, 1 ईयर डन, और अभी तक सब एकदम चकाचक चल रहा है टीवी के अंदर। कोई क्वेश्चन हो आपका स्पेसिफिक रिलेटेड टीवी का, तो आप इस वाली वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में, या मे बी फ्यूचर में एक नई वीडियो भी लेके आऊँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे से लोगों ने पिछली वीडियो में भी कमेंट करके पूछा है, यार इस टीवी का रेट बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, मैंने खरीदा था 16-17 हज़ार के आसपास में, और आज इस टीवी का रेट हो चुका है 25 हज़ार, जो कि आफ्टर डिस्काउंट मैंने अभी देखा फ्लिपकार्ट में मिल रहा है 23 हज़ार के आसपास, जो कि मुझे लगता है अब थोड़ा कम हो गया है। कई वीडियो को भी मैंने कमेंट्स देखे थे, उन्होंने लिखा था 27 हज़ार पहुँच चुका है। देखो यार 27 हज़ार की वैल्यू को देखा जाए 40 इंच का टीवी, तो मेरे को नहीं लगा कि इतना सुपर वर्थ है, क्योंकि 30 हज़ार के अंदर IPS पैनल भी मिल जाते हैं, जो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर रहता है। और बट अभी जो प्राइस हो चुका है दोबारा 23,500 के हिसाब से, तो मुझे लगता है ये टीवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार पिछले साल के बाद ना सारे टीवीज के रेट रिवाइज हो चुके हैं और सब महंगा हो चुका है, तो पिछला वाला प्राइस 16-17 तो देखो मिलने से रहा, वो तो आप भूल जाओ। तो इस टाइम को देखे जाए और कंपटीशन को देखा जाए, आधे से ज़्यादा कंपटीशन एक तो एंड्रॉइड 9 चला रहा है, सबसे बड़ी चीज़, मतलब लिटरली सबसे बड़ी चीज़ एंड्रॉइड 9 चलाए जा रहे हैं, एंड्रॉइड 10 ला ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं ला रहे, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको टीवी लेना है तो मैं तो आपको एंड्रॉइड 10 ही सजेस्ट करूँगा, बाकी पिक्चर क्वालिटी सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो मुझे इसके अंदर बहुत बढ़िया लगी, ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा मिली है इसके अंदर, और आपके हिसाब से आप काफ़ी सारे मोड भी सेट कर सकते हैं, मूवी वीड वगैरह, मैं यूजुअली मूवी वाला ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब मेरी जो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डल रहता है, तो मेरे लिए तो वो बेटर रहता है। बाकी मेरे घर में सारे मतलब पंची कलर्स देखना पसंद करते हैं, तो वो पंची पे रखते हैं यूजुअली जब वो देख रहे होते हैं उस टीवी को, तो जब मैं देखता हूँ तो मैं उसको थोड़ा डल सा कर देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है। तो बाकी तो टीवी के अंदर मुझे सब बढ़िया लगा, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं आई है, और कुछ खास मेरे पास है नहीं कि जिसको मैं आपको बोलूं कि ये टीवी आप ना लें। बाकी इसके अंदर पीछे आप पोर्ट देख सकते हैं, आपको इसके अंदर HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, दो बाकी USB पोर्ट भी मिल जाता है, और इसके अलावा इसका जो वॉल माउंट है वो थोड़ा डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे दो नीचे से लटक रहे हैं उसके टीवी के नीचे, तो उसको पुल करेंगे तो वॉल माउंट आपका खुल जाएगा बेसिकली, और इजीली आप पुल करके निकाल सकते हैं टीवी का, जो ये डिफरेंस है काफ़ी यूनिक सी चीज़ है इसके अंदर, और वो सब तो सही है। एक चीज़ और मुझे अभी हाँ मैंने देखी, मुझे याद आई, इसमें डुअल बैंड जो वाईफाई है वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो कि अभी कई टीवीज़ में नहीं आ रहा है इसके कंपटीशन में, तो ये चीज़ और एक है जो इसको यूनिक बनाती है, जो मैं मिस आउट कर गया था, बट फाइनली अच्छा है मैंने बोल दिया, मैं चाहता नहीं था ये मिस आउट करूँ, तो यही इसकी यूनिकनेस है यार, 5 ईयर्स एंड्रॉयड 10 और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, मतलब किसी भी एंगल से मुझे दिक्कत नहीं फील हुई। सबसे बढ़िया चीज़ है कि मुझे 1% भी इशू नहीं आया किसी भी तरीके से इस टीवी के अंदर, जो मेरा रेगुलर डे टू डे वॉचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम सुपर्ब रहा है, और मुझे सब एकदम चकाचक मिला है इसके अंदर। इतना ही यार वीडियो में, जाओ नेक्स्ट वीडियो देखो, बाय।